इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे बच्चे क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, इसके लिए समाज जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार हैं, कौन है जिम्मेदार, बात करते हैं। ये बताइए, कोटा हो और इंस्टीट्यूट हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हर जगह, दिल्ली हो, हर जगह कॉम्पिटिशन में जाते हैं लड़के, कोचिंग कर रहे हैं और इतनी प्रतिस्पर्धा है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत सारे उसमें से, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सर, इसके लिए जिम्मेदार तो कोई नहीं है, बस एक कंपटीशन का दौर है ये, ठीक है ना। अगर हम अपने बच्चे को नहीं आगे भेजना चाहते हैं तो कल को ये बच्चा हमसे ही सवाल करेगा ना। अब ये जो सुसाइड कर रहे हैं ये तो बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं, ठीक है ना। ये सुसाइड करना क्या बनता है भाई, इससे कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। जो कंपटीशन दे रहे लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं, और तो समाज जिम्मेदार कौन है इसके लिए, माँ बाप हैं कि समाज है, किस तरह का दबाव है उनके ऊपर? जी क्या बताएं, अरे मान लो जो है भाई माँ बाप जो है जिम्मेदार हैं इसके लिए। हाँ जी, कैसा दबाव माँ बाप डालते हैं, कौन से जिम्मेदार? जो है जैसे कि किसी का बच्चा पढ़ रहा है उसके उसके लिए, और मतलब हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए जो है वो जिम्मेदार हैं। हाँ जी, मतलब आप मानते हैं कि माँ बाप जिम्मेदार हैं इन सब के लिए? जी, ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा उनके ऊपर दबाव प्रेशर डाल रहे हैं। जी, माँ बाप जो है इसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि माँ बाप जिम्मेदार है, भैया जिस तरीके से माहौल बना है समाज का, घर का, और बच्चों के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं उस दबाव, उस प्रेशर में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे घर वाले गार्जियन होते हैं जैसे, ज्यादा मतलब प्रेशर डालते हैं या उनके ऊपर एक दूसरे को देख के, तो उसमें दबाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। आपसी प्रतिस्पर्धा है कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, कि उनके बच्चे आगे निकल गए, हमारे क्यों नहीं जा रहे हैं, तुम भी इंजीनियर बनो, तुम भी डॉक्टर बनो, उनकी प्रतिभा का ख्याल किए बगैर दबाव है। अब एक दूसरे के देखी देखा में कहते हैं उनका लड़का ये निकल गया, वो हो गया, तो आप भी कोशिश करिए। कोशिश करिए जी। भैया आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जो जिस तरीके से लड़के सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का दबाव है, किस प्रेशर में वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं? पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि सर, कोई भी बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, पहले सुसाइड वगैरह ना करें। और दूसरी चीज़ रहा कॉम्पिटिशन में, ये कॉम्पिटिशन में ही ऐसा होता है, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो माँ बाप की लापरवाही से ही बच्चे कमज़ोर होते हैं, सच्चाई ये। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स खुद टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं स्कूल में, कई शिकायत आ रही है स्कूलों से, जहां तक हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हम जाते हैं तो वहां पे स्कूल में शिकायत आती है कि भाई पेरेंट्स टाइम से नहीं आते हैं। जब माँ बाप ही लापरवाही कर रहे हैं और बच्चे जो समाज में बैठ रहे हैं या जो स्टूडेंट के बीच में बैठ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता ना, कुछ बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता हो कि भाई ये चीज़ हो रही है। तो भाई हमारी दरख्वास्त यही है कि माँ बाप से, कि माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान दें, तब जाके बच्चों को बढ़के और प्रोत्साहित करें कि वो पढ़ें कैसे। कोचिंग एक अलग बात है, स्कूल से आने के बाद में अगर बच्चा कमज़ोर है या जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो माँ बाप अगर करा रहे हैं तो भलाई के लिए करा रहे हैं, या बच्चा खुद अगर शौकीन है पढ़ने का तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जी सर, माँ बाप भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कंपटीशन देने जाते हैं, कोटा, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, हर जगह जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि भैया कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बनने का दबाव है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जान पर, मतलब कह सकते हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, और वो चीज़, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, कौन है जो उन्हें प्रेरित कर रहा है कि अपनी जान को वो खो दे रहे हैं? सर, प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर ये हो गया है ना कि जिस हम इस माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आजकल क्या है ना कि अब चाय जहाँ 5 थी वहाँ 10 रुपये हो गई, अगर 10 रुपये हो गए तो भी हमको उसके लिए 1 लाख रुपये कमाना ही पड़ेगा। उस 1 लाख रुपये कमाने के लिए जाहिर सी बात भी टफ पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कंपटीशन लेवल ऐसा होगा। आजकल बच्चे जो आ रहे हो कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं ना, वो लेवल गया, वो कि वो थर्ड क्लास पास था, वो कहीं गया, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई या कहीं चपरासी बन गया, ठीक है सर। आज तो उस लेवल में आपको जाना, तो उस लेवल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उस लेवल का पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे जिम्मेदार, अगर ये बात कोचिंग जिम्मेदारी, कोचिंग वालों से ज़्यादा पैसा तो आजकल कहीं ले रहे हैं आपके स्कूल वाले। कोचिंग वाले खान सर को देख लो, 200 से 400 में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाला 4000 पूरा यूपीएससी का कोर्स करवा रहा है। किस दबाव में सुसाइड कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदारी मेंटली प्रेशर, ये आप मेंटल कैसे ले सकते हैं? आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, चीज़ों को हम बर्दाश्त कर सके। हम क्यों सुसाइड करें सर?
बहुत से ऐसे लोग हम अभी देख, अभी मैं चार बाग से आ रहा था, कुछ लोग ऐसे बैठे थे बेचारे, जैसे जिस धूप में हम दो मिनट बैठ सकते वो पूरे कपड़े उतारे बैठा हुआ है वो, क्योंकि वो सर्वाइव करो चीज़ को। तो भाई सर, अगर आप उस लेवल सर्वाइव कर सकते हो तो वहाँ सर्वाइव करो, नहीं कर सकते तो भाई पढ़ लेकर आगे बढ़ो। जिस तरह का दबाव आज के स्टूडेंट्स पे है, सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ी नौकरियां पाना है, और ऐसे में वो अपना जान दे दे रहे हैं, तो ये प्रेशर किसका है? समाज का है, माँ बाप का है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, या बच्चे खुद वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं? समाज का भी है, पेरेंट्स का भी है, और आजकल ऐसा माहौल है कि लोग बच्चे समझ नहीं पाए करना क्या है। इतना समाज का प्रेशर रहता है कि कोई बदनामी ना हो, अच्छे से काम करना, अगर बेरोजगार रहेगा कोई देखेगा नहीं है, कोई आगे चल के प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, यही सब रीजन्स हैं। और जब इतना सब, एक तो फैमिली रीजन हुआ, दूसरा समाज का ये हुआ, और दूसरा इंस्टीट्यूट का प्रेशर रहता कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो कैसे काम चलेगा, यही सब रीजन्स रहते हैं, दबाव रहता है। ठीक बात है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबको स्टूडेंट को मानेंगे जिम्मेदार, इसमें स्टूडेंट ही हैं, बाकी तो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें करते ही हैं, और इसमें कहीं नहीं, कहीं बोल नहीं सकते कि उसमें कोचिंग का है मतलब या स्कूल का है, ये इसमें किसी का भी नहीं। आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी एक इशू आता है जो हमारा अब आगे बढ़ के हो गया है कि वैकेंसीज़ आती हैं और सारी चीज़ें आती, कुछ थोड़ा माहौल उससे भी बन जा रहा है कि वैकेंसीज़ और ये सारी चीज़ें उतना नहीं, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है आज के टाइम में, वैकेंसीज़ उतनी निकल नहीं रही हैं, लेकिन लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी निकाल नहीं पा रहे। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म में सारा पैसा जमा होता है, सारी चीज़ें जमा होती है, लेकिन उसके बाद में भी, अब पैसा किस चीज़ का कह रहा हूँ मैं, पैसा कह रहा हूँ जो एंट्री भरी जाती है, जो एंट्री हो गई, अब बच्चे भरते हैं, पेरेंट्स भरवाते हैं उसको, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, पेरेंट्स तो अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाखों फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद में निकलती कितनी वैकेंसी है, 300 वैकेंसी, 250 वैकेंसी, 500 वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन ही जाता है बच्चों पे। तो ये थोड़ा माहौल मैं बोलूँगा कि सारा ही सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जो गलत कदम उठा रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं करा जा सकता, वो अपना मेंटली इतना वो लोग प्रेशराइज हो जाते हैं माहौल को लेके, वैकेंसीज मैं तो आधा माहौल तो बोलूँगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि अवसर कम है और लोगों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है।